आज सुर अपने सौभाग्य पर इतराएंगे, राग और ताल झूम के गाएंगे, क्योंकि हम पहली बार संगीत के महामंच से श्री राम कथा सुनाएंगे। मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपके घर अकेला नहीं आया हूं। मेरे साथ देव आए हैं, दानव आए हैं, उछलती कूदती वानर सेना आई है, शबरी, केवट, जामवंत और जटायु जैसे मेहमान आए हैं, बजरंग बली हनुमान आए हैं। माँ सीता और लक्ष्मण जैसे पुण्य धाम आए हैं और इन सब के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती है मनोज जी के लिए। इस हफ्ते रामनवमी के सुनहरे और पावन मौके पर आप देखेंगे भारत की भूमि के आधार प्रभु श्री राम के सम्मान में संक्षिप्त रामायण, और इसमें हमारे साथ होंगे विश्व योग गुरु, भारत की शान, अपने आप में ज्ञान की पूरी खान और भारत के गर्व, एकमात्र एकमेव स्वामी रामदेव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है, कमल गाइस, जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। वैसे रामनवमी है, बहुत ऐतिहासिक बिल्कुल दिन है, और राम भारत के लिए भगवान है, हमारे पूर्वज हैं, वो भारत के स्वाभिमान हैं, मर्यादा हैं हमारी, हम सबके खून में उन्हीं का डीएनए है। क्या बात है। लेकिन मेरे लिए भी खास है, क्योंकि मैं आज 27 वर्ष का हो गया। अरे मुबारक हो। क्या बात है। और वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सुना बाबा 54 किया होगा। आज से 27 वर्ष पहले रामनवमी के दिन ही मैंने इस संन्यास धर्म में प्रवेश किया है। और वैसे मेरी बायोलॉजिकल एज 27 ईयर ही है, टेस्टिंग करना हो तो अभी आप मेरे से कुश्ती कर सकते हो। और इसको तो आशीर्वाद ही दे देते हैं वैसे ही पता। वाह वाह वाह। स्वामी जी, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं जब छोटी थी तब से ही मेरी मम्मी का तबीयत उतना ठीक नहीं रहता है, उनको कुछ ना कुछ होता ही है, पर उनको ब्लड और हीमोग्लोबिन का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अगर बोल सकते हैं कुछ उपाय। हीमोग्लोबिन उनका कम है बेटा? कम होता है, हाँ जी कम होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है, सुबह खाली पेट अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा और वीट ग्रास, इन 5 चीज़ों का रस पिए, और रात को भिगो करके 2-3 अंजीर और 5-7 मुनक्का इनको सुबह खा लें जी, और कपाल भाती कर लें तो माइनर थैलीसीमिया भी अच्छा हो जाता है और एप्लास्टिक एनीमिया भी अच्छा हो जाता है। तो आपकी माँ का हीमोग्लोबिन अब यदि 5-6 भी होगा तो 12-14 हो जाएगा, जो मैंने बातें बताई है इतनी गारंटी पक्की है। तो आपका चेहरे का नूर भी और बढ़ जाएगा और आपकी माँ की खुशियाँ भी उनको मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जय रघुवंशी, अयोध्या भूमि, रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी, अयोध्या पति, रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए
किनारा तू ही सारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई राम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जय का बल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली, हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीस झुका राम गुण का, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। Yeah!
चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या भोले भाले, तो है खबर क्या भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, मुझे तो लगा कहीं हिमालय कैलाश मान सरोवर से सूर्य और चांद से, सूर्य और चांद से भी ऊपर कोई स्थान होगा, वहां हमारे मोहम्मद दानिश बहन हमको पहुंचा दे। जो भी आज हमारे साथ इस रामनवमी पर एकात्म है, उनको राम जी के दर्शन जरूर हो ही जाएंगे। वनवास यात्रा आरंभ हो गई, वो यात्रा जो दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली थी। राम सिया और लखन आ पहुंचे चित्रकूट, महलों के वासी वनवासी हो गए। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट के लाते, सीता मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती, और राम मन ही मन ये सोच के तड़प उठते कि वनवास तो मुझे मिला था, ये दोनों मेरे साथ क्यों आ गए, कहां वो अनगिनत दास दासियां, कहां ये हाथों के छाले, कहां वो पकवानों से भरे थाल, और कहां ये रूखे सूखे निवाले। सारी उमरिया
राम नियति के आगे सर झुका के वन में रहने लगे, लेकिन भरत से अयोध्या में नहीं रह गया। जिस सिंहासन पर उनका अधिकार नहीं था, उस पर बैठना उन्हें स्वीकार नहीं था। इतना बड़ा राज्य भरत ने तिनके की तरह त्याग दिया। आ पहुंचे चित्रकूट और गिर पड़े राम के चरणों में। राम ने भरत को उठा के सीने से लगा लिया। भाई भाई का ऐसा मिलाप हुआ कि सृष्टि का कण कण रो दिया। भरत ने गुहार लगाई, भैया अयोध्या चलो, अपना राजपाट वापस लो। राम जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, अपने ही भाई को खाली हाथ लौटाने पर विवश हो गए। अगर वो वनवास अधूरा छोड़ देते तो पिता का दिया हुआ वचन तोड़ देते, और ये संभव नहीं था। उन्होंने भरत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, और भरत इतने जिद्दी कि राम को नहीं ला पाए तो उनके पैरों की खड़ाऊं ले आए। शीश पर खड़ाऊं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। भरत ने रख दी वो खड़ाऊं अयोध्या के राज सिंहासन पर। 14 वर्षों तक पृथ्वी के एक परम वैभवशाली राज्य पर किसी राजा ने नहीं, पैरों की खड़ाऊं ने राज किया। अपनी परिस्थिति से निराश मत होना, समय सबका बदलता है, बारी सबकी आती है, एक दिन पैरों की पादुका भी मस्तक का मुकुट बन जाती है। स्वामी जी,
कुछ तो बताइए। नहीं नहीं मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ डरा हूँ कि कब हमला होगा सामने से। इसी टेंशन में मैं बैठा हूँ, आवाज भी निकल रही नहीं है। स्वामी जी है 27 बरस के और तुमने कह दिया है कि तुम्हारी उम्र कुछ 5-6 साल है। बिल्कुल, बच्चे को कौन मारता, कोई नहीं मारता। पाप लगेगा अगर कोई बच्चों को मारे तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् धर्मस्य तदात्मानं श्रद्धामयाम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। स्वामी जी ने ऐलान कर दिया है कि इस पूरी जो जो भी रचना हो रही है उसके दुष्ट तुम हो। सर रावण अवतार है ये, इधर रामावतार हो रहा है। नहीं नहीं इधर रावण दो है, एक एक थोड़ा सा रंग बिरंगा पहनकर भी आया है। हम तो हर साल खाते हैं, हमें आ रहा क्या है। आइए आप तो स्पॉन्सर है हमारे, कभी भी मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। अरे मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा बाप हूँ, स्पॉन्सर नहीं। कोरोना काल चल रहा है और तुम्हें सबसे कहूंगा, एक तरफ वैक्सीन की डबल डोज, दूसरी तरफ योग और आयुर्वेद की डबल डोज। डबल डोज बिल्कुल, क्या बात। एक कंठामृत हमने बनाया, वो तो कंठ में जाते ही एकदम रिलीफ कर देता है। तो मेरी आपके उन प्रतिभागियों के लिए भी प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के वापस इस शो की शान बढ़ाएं। जो अभी हमारे साथ है आपसे बात करना चाहते थे। अच्छा, तो प्लीज कॉल लगाया जाए। अरे पवनदीप आशीष कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, सबको हमारी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा जी, हम लोग भी चाहते थे कि हम भी आपके सामने वहाँ पे हो और अपना हमारी आवाज आप सुने, आवाज सुने, बट तबियत नासाज होने के कारण हम लोग वहाँ पे हम दोनों आ नहीं पाए। हम दोनों कोविड पॉजिटिव है कुछ दिनों से, इसके वजह से वीकनेस है और सर दर्द बहुत ज्यादा है। तो आपसे बस ये पूछना था कि हमारी जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी के बाद हमारी इम्यून सिस्टम रिगेन करने के लिए हम क्या कर सकते? एक तो प्राणायाम अभी से ही करते रहें, लंबे लंबे श्वास लेना छोड़ना, और दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है इस धरती पर अमृता, तो अमृता तुलसी अश्वगंधा इनका काढ़ा बना के पी ले अथवा इसकी गोली खा ले। इंडियन आइडियल के माध्यम से तुम करोड़ों लोगों के अब चहेते बन गए हो और जल्दी ही ये देश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी स्वस्थ होकर के लौटो। बिल्कुल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।